आई नंदिनी। पहले अपने बाऊजी के चक्कर में हमारे भाई को जी भिजवाया, भाई को इतनी मुश्किल से बाहर निकाला कि अब मॉम ये क्या कह रही है आप? धक्का लगा ना आपको सच सुनकर, हमें भी लगा था। मुझे दिखा दिया ना कि वो गांव की एक मासूम सी लड़की है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही चालाक और शातिर इंसान है। और हम उनसे आज पूछ के रहेंगे कहाँ है वो। हम बस ये अच्छा नहीं बोली हो तुम, जितनी समझ हो उतना ही बोलिए तो बहुत ही अच्छा होगा तुम सभी के लिए। और वैसे भी गलती तुम्हारी अम्मा की है, तुम्हारी अम्मा ने जाकर के लोगों पर गाली चढ़ाई और गालियां हमारी दोस्त को दिए जा रही है। अरे वो तो अच्छा हुआ हम रानी से मिलने के लिए यहाँ गए और तुम्हारी बकवास सुन ली हमने, नहीं तो फिर से न जाने कौन सा इल्जाम लगा करके उनका जीना दुश्वार कर देते तुम लोग तो। और तुम सब अमीर शहरी लोग समझते का हो हाँ? कि हम गरीब तो बड़े पाप की सजा काटने के लिए जन्मे हैं। अरे कमजोर लोगों पर रोब जमा करके उनका फायदा बहुत ही उठाया होगा तुम लोगों ने, लेकिन रानी वो कमजोर नहीं है, उनके साथ हम खड़े हैं। अरे भैया अगर तुम्हारी रानी साहब पहले ही सब कुछ सच बता देती तो इतना बवाल होता ही नहीं। मतलब एक गवार की कमी थी छोड़कर तुम भी आ गए। हम जानते हैं कि तुम गरीब हो, छोटे इंसान हो, लेकिन जानते हो सबसे ज्यादा क्या हो? बदतमीज, जो हर बार हमारे घर की पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने आ जाता है। जब घर वाले अक्कल की बात नहीं करते ना तो बाहर वालों को आकर के सिखानी पड़ती है। बस तुम अब बस करो आप दोनों। बिरजू आप बहुरानी के दोस्त हैं, लेकिन आप इस तरह आकर ऐसी बातें यहाँ नहीं कर सकते। इस वक्त राजेश्वरी कितनी तकलीफ में होगी और हम सब यहाँ पर कितने परेशान हैं। ये वक्त नहीं है इन सब बातों का, न जाने वो इस वक्त किस हाल में होगी। बहुत गर्मी लग रही है। एक्सक्यूज मी, क्या है? हमें एक हैंड फैन मिल सकता है, हाथ से जो चलाते हैं ना वो। दिमाग खराब है क्या? चल चुपचाप बैठ उधर। ये गुस्ताखी आपको बहुत महंगी पड़ सकती है, ये जगह हमारी है। ये गुस्ताखी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, ये जगह हमारी है। और रानी जी यहाँ पर तुम्हारा रानीपन नहीं चलेगा, अपना रानीपना अपने पास रखना, ये जेल है और यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। पंखा ला दो पंखे। अरे इसके लिए वो हाथ वाला पंखा नहीं, एसी लगा एसी। गर्मी हो रही है, मच्छर काट रहे हैं रानी साहिबा को। क्यों रानी साहिबा? मच्छर ये खुद आदमियों का खून चूसती है, मच्छर इसका क्या चूसेगा। हो गया आप सबका। सुबह से हम इसी जगह पर बैठे थे, इसलिए ये जगह हमारी है। ये जगह तुम्हारी नहीं, सरकार की है और यहाँ सरकार हम चलाते हैं। जो जहाँ पे जाके बैठ गया वो जगह उसकी। ब्रो
हम उन्हें ढूंढ लेंगे ब्रो, आप प्लीज हिम्मत मत हारिए प्लीज। मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो डॉक्टर, अगर पहले ही ध्यान दिए होते तो ये नौबत ही नहीं आती ससुरा। क्या बकवास है बिरजू, चुप रहो तुम। अरे भैया जिसने अपहरण किया है अगर उसका पता लगाना है तो ससुरा पहले अपने ही घर में झांक करके देखो, हमें पूरा शक है कि पक्का ही कोई घर का ही आदमी है। इस बकवास के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। बिरजू ये क्या बात कर रहे हैं आप? सही कह रहे हैं राजमाता जी, ये राजघराना है ना आपका, ये कोई बाजार का चौराहा तो है नहीं कि रानी को उठा करके ले गए बस। बिना आप लोगों की इजाजत के कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता यहाँ, तो फिर ये सब हुआ कैसे? हाँ इतना बड़ा कांड होगा वह सोचने की बात ना है यार। हाथ धो के पीछे पड़ गए तुम इस घर के, हमें क्या पता कि रानी को किसने किडनैप किया है? अरे मैडम जी भले ही आपको ना पता हो, शायद किसी और को पता हो, लेकिन सच तो यही है कि हमें इस परिवार पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। पागल हो गए हो तुम? अरे हम भाभी साहब के साथ ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि तुम लोगों को यही लगता है कि तुम्हारी अम्मा रानी की वजह से जेल में है। ये सच नहीं है बिरजू। अच्छा तो वो किडनैपर पैसा का ही नहीं मांगा, बताइए हमें। रानी साहब की रिहाई से का लेना देना होगा भैया, साफ साफ बदला है और कछु नहीं है। वही तो हम पता करना चाह रहे हैं ना, और तुम उल्टा हम पर इल्जाम लगा रहे हो। बेचारे ना बनो वकील बाबू, जवाब चाहिए हमें, कहे किया ऐसा? बस बस कीजिए आप लोग। विक्रम विजय को फोन कीजिए और जो कुछ भी यहाँ हुआ है उन्हें बताइए। रानी को ढूंढने के लिए उनकी मदद चाहिए होगी हमें, और बंद कीजिए ये ड्रामा। मेरी मानो तो इस बिरजू को घर से निकालो धक्के मार के। अच्छा धक्का देकर का है, हमें भी रानी की तरह अंधेरे में गायब करवा दीजिए। ठीक है दादी साहब, दादी साहब, दादी साहब, राजमाता जी, दादी साहब, दादी साहब, चंपा इनकी दवाई कहाँ है? जी कमरे में। चंपा जाकर दवाई लेकर आइए जल्दी से, बीपी लो हो गई है इनकी। ज्यादा मस्ती चढ़ी है तेरे को, हाथ क्यों झटका मेरा? तुम हमसे दूरी सो, कितनी बदबू आ रही है तुमसे। अरे कमला चुप करना यार, सो जा। इसे बदबू नहीं कहते, पसीने की खुशबू कहते, जैसे तू वो लगाती ना इत्र, ये ना काम करने से आता है, तेरी तरह पलंग पे आराम से पड़े रहने से नहीं आता है, समझी? कल तेरे में से भी ना यही खुशबू आएगी जब तुझे जेल की लेटरिन साफ करनी पड़ेगी, समझी? सो जा। खराब कर दी मेरी। हमें अपने परिवार पर पूरा भरोसा है, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए। जिंदगी में कभी भी अपने नौकर को हमारे आसपास नहीं आने दिया और यहाँ इन बदबूदार औरतों के बीच रहना पड़ रहा है। आप लोग की बहस खत्म नहीं हुई, कब से एक ही बेकार की बहस लगाए जा रहे हैं आप लोग। इस वक्त हमारे लिए जरूरी यह है कि रानी को ढूंढा जाए, प्लीज बंद कीजिए ये सब बकवास। ब्रो मैंने विजय से बात कर ली थी, वो कह रहा था कि कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है। वेरी गुड, बट ब्रो मुझे ऐसा लगता है कि हमें डैड को सब कुछ पता है। नहीं पापा इस वक्त ऑलरेडी बहुत टेंशन में है, वो अकेले वहां दिल्ली में, और इस वक्त रानी साहब को भी बाहर निकालना बहुत जरूरी है, तो इन्हें और टेंशन मत दीजिए ओके। और वैसे भी मेरे हाथ एक सबूत लगा है जिससे शायद हम रानी की किडनैपर तक पहुंच सकते हैं। सबूत?
क्या सबूत ब्रो? शर्ट के पॉकेट का टुकड़ा, शायद स्ट्रगल करते वक्त रानी ने इसको फाड़ दिया होगा। हो सकता है किडनैपर का हो। इसके पीछे वो ड्राई क्लीनर का नंबर भी है जिसको मैंने फोन कर दिया है। वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके आते ही होंगे। आई जस्ट होप कि उनके पास राइट इन्फॉर्मेशन हो। खंबा घर कुमार साहब, आपने मुझे बुलाया? आप आ गए, ग्रेट। ये देखिए, ये ड्राई क्लीन शॉप आपकी का है ना? जी आइए, हमारे यहाँ से ड्राई क्लीन हुआ है। मुझे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए इमीडिएटली। जी अभी ऑर्डर नंबर मैच करता हूँ, आइए। जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त नहीं है। मिल गया। राजमाता प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए, आपने कुछ भी नहीं खाया है वरना और वीकनेस आ जाएगी। प्लीज आप लोगों को पता है इतने साल रनिसा के साथ काम करके मैंने कौन सी जरूरी बात सीखी? कुछ लोग खाना भूख मिटाने के लिए खाते हैं और कुछ लोग जैसे कि रनिसा, ऐसे लोग खाना इसलिए खाते हैं ताकि वो जिस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं या जिंदगी में जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करने में उनका शरीर उनका साथ दे। शायद भूखे पेट रहना उन सजाओं में से एक है जो हम खुद को दे सकते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। लेकिन ये किसी समस्या का समाधान तो नहीं है ना, इससे हार हमारी ही है और साथ साथ हमारे उन करीबी लोगों की जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, हार तो उनकी भी है ना। कुंवर साहब खाना खा लीजिए ना और राजमाता को भी खिलाइए, जरूरी है। दादी सा आप ऐसे रोइए मत। कुंवर सा समय से पहले घर का बड़ा बन जाना आसान नहीं होता, लेकिन आप में वो सारे गुण हैं जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, फिर खाने से नाराजगी क्यों? मंजिल तक पहुंचा कैसे जा सकता है जब वहां तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं पता आपको? एक तरफ रानी सा है, न जाने रात उन्होंने जेल में कैसी काटी होगी, और दूसरी तरफ रानी जिन्हें मुझे 28 घंटों में उस किडनैपर से छुड़वाना है, कुछ भी करके। प्लीज कुमुद रहने दीजिए, मुझे भूख नहीं है। दादी साहब आप नहीं खाएंगी ना तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी, एक बाइट मेरे लिए प्लीज दादी साहब। आप लोगों को पता है जब बचपन में कुंवर साहब खाना खाने से आनाकानी करते थे ना, तब मैं ऐसे ही रोटी में ना सब्जी डालकर मोड़कर उन्हें दे दिया करती थी, फिर वो किताबें पढ़ते, खेलते कूदते, अपने सारे काम करते और फिर खाना भी खा लेते थे। कुंवर साहब जिंदगी में जितने काम आएंगे उतनी ही चिंताएं भी, अगर समय निकाल कर नहीं खा सकते तो कम से कम समय के साथ तो खा सकते हैं ना, थोड़ा सा। बंद कीजिए अपना ज्ञान कुमुद। कहा ना आपको मैंने कि भूख नहीं है मुझे, तो क्यों फोर्स कर रही हैं आप मुझे? रानी सा कब से जेल का खाना खा रही हैं? रानी पता नहीं कब से भूखी होंगी और आप चाहती हैं कि मैं यहां टेबल पे बैठ के अपनी बचपन की यादें ताजा करूं? रिडिक्युलस। अरे करवा चौथ का व्रत रखवाओगी क्या? अरे खाना तो दे दो भाई। चुप करो सब, बैठो उधर। ये कितनी पानी वाली दाल है? यहाँ पे ऐसे ही मिलेगा। थोड़ा और डाल चावल।
ये हुई ना बात, बड़ी जोर से भूख लगी थी। राजेश्वरी सिंह रजावत को अपने घर में बाहर की गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हमें माफ कर दीजिए, समर्थ कीजिए, हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं। रानी साहब, हम ये खाना नहीं खाएंगे, बाल है इसमें, लेके जाओ। सुना नहीं हमने क्या कहा? ये गंदा खाना हमारे नजरों के सामने से लेके जाओ, हम ये खाना नहीं खाएंगे। मत खा। खाना सही है, दे गंद मैं साफ कर देती हूँ, अब खा ले। सोच, बाल इसमें था ही नहीं, पता नहीं आज महलों में खाने वाली अपुन के साथ यहाँ खाना खाएगी। समझ नहीं आ रहा किसके अच्छे दिन आए हैं। ये जेल है रानी साहब, तेरा शाही रसोई घर नहीं, जहाँ विलायती मशरूम मिलेंगे। खाना है तो खा, वरना भूखे मरो। क्या तो हमारा ही भला कर दो। दो मिनट में चट कर देंगे। देखते हैं तेरा वो दीवाना पति आता है या नहीं तुझे छुड़वाने। बहुत तड़प रही है ना तू भी, बस कुछ घंटे हो, चल तू बता तेरा पति आएगा कि नहीं। हमें पूरा यकीन है डॉक्टर साहब, हमें ढूंढ निकालेंगे। हाँ बोलिए, हम आप ही के बारे में सोच रहे थे। जी अगर हम आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं तो आपको हमारी एक बात माननी होगी, आपको भाभी साहब को छोड़ना होगा। आप दो है, आपको पता भी नहीं है कि घर पे कैसा माहौल। सब पहले से ही मॉम को लेके बहुत परेशान थे और अब आपकी इस हरकत ने सबको और डिस्टर्ब कर दिया। अरे पर हम ये सब रानी साहब को बाहर लाने के लिए तो कर रहे हैं ना। जी हम जानते हैं कि आपकी इंटेंशन अच्छी, लेकिन आपका तरीका गलत है जी। हमें इस खेल को बंद करना होगा। भाई ने खाना पीना छोड़ रखा है, कितना रो रहे हैं वो, और हम अपने भाई को ऐसा नहीं देख सकते। लेकिन नंदिनी, कुछ पाने के लिए कुछ लेकिन लेकिन कुछ नहीं। आपको हमारी कसम है, प्लीज प्लीज बंद कीजिए ये सब। हम के बाथरूम के गीजर हैं, जब मन किया ऑन कर दिया, जब मन किया बंद कर दिया। और आप बड़ी चिंता हो रही अपनी भाभी साहब की। हमें हमारे परिवार की चिंता और हमारे परिवार की खुशी भाभी साहब में, इसलिए भाभी साहब को वापस आना ही होगा। और आप जानते हैं अगर किसी को भी सच का पता चल गया तो क्या होगा। जेल होगी और क्या होगा, पुलिस हमें मारेगी पीटेगी, हमसे हमारे साथियों के नाम निकलवाने की कोशिश करेगी, पर हम बोल देंगे कि हम अकेले हैं, ये सब हमारा आइडिया था। पर वो हमारा विश्वास नहीं करेंगे, हमें थर्ड डिग्री टॉर्चर मिलेगा और हो सकता है हमारे मुंह से आपका नाम निकल जाए, फिर आप भी गिरफ्तार, आपको भी मार पड़ेगी, सजा मिलेगी, नाम खराब होगा। और जिस भाई की आप इतनी फिक्र कर रही है ना, वो आपकी शक्ल देखने से भी मना कर देगा। नंदिनी, हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं, डूबेंगे तो साथ और किनारे पहुंचेंगे तो साथ, और बाकी हमारा प्रॉमिस। रानी सा के बाहर आते ही हम रानी को छोड़ देंगे, ठीक है? चलो टेक केयर, बाय। फोन मैंने किया और हेलो रानी को, ये तो गलत बात है। कहा है रानी, मुझे बात करनी उनसे। दिखाता हूँ, पर पहले जरूरी बात तो याद दिला दूँ। सिर्फ 26 घंटे बचे हैं रानी साहब को जेल से बाहर निकालने में। टिक टॉक टिक टॉक, टाइम निकल रहा है वीर सिंह रजावत। बंद करो अपनी बकवास, मैंने कहा ना बात करनी है मुझे, बात करो उनसे। पति देव को बड़ी घबराहट हो रही है। ले देख ले तेरी पत्नी कितनी आराम से लेटी हुई है। रानी, रानी,
पानी पानी मांग रही है, इतना तो आप दे ही सकते ना। देखिए आप जो चाहते मैं कर रहा हूँ, ऐसा मत करो, पानी पिला दो उन्हें प्लीज। कमाल है, पानी की प्यास उसे लग रही है, तड़प तुम रहे हो। बड़ा मजा आ रहा है इस खेल में। चलो ठीक है, आपकी प्यारी सी पत्नी को पिला देते हैं पानी। पानी। शर्म नहीं आती तुम्हें? पानी तो मांग रही है वो। देखो तुम जो चाहते हो मैं कर रहा हूँ, पानी तो पिला ही सकते हो ना, थोड़ा सा पानी पिला देना प्लीज। पानी अरे पानी पिलाओ उन्हें। चिल्लाओ मत, इस खेल का बॉस मैं हूँ, समझ में आई बात? सॉरी। दोबारा बदतमीजी की तो अभी तो सिर्फ पानी के लिए तड़प आया है, अगली बार सांसें लेने के लिए तड़प जाएगी। नहीं नहीं, अपना टाइम बर्बाद करना बंद करो और जो काम दिया है पहले उसे पूरा करो, उसके बाद नारियल पानी, जूस, गोला सोला, बर्फ का गोला, जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन रानी सा के जेल से बाहर आने के बाद। हेलो हेलो सुनो, हेलो क्या करूं मैं, कैसे बचाऊं रानी को? हम सॉरी बोल तो रहे हैं, देखो पिछली बार हम आपको डराना नहीं चाहते थे, हम तो बस सच बता रहे थे कि अगर अभी प्लान को रोका तो हम दोनों फंसेंगे। जय, हमें इन सब में इन्वॉल्व आपने किया है, हमें कभी नहीं चाहिए था कि हम इस किडनैपिंग में इन्वॉल्व। एनीवे भाई वहां पर आ रहे, अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना जय तो। ओ, हमारी प्यारी नंदू, हमारी भूली नंदू, वीर भाई आपके और आप हमारी जिंदगी का प्यार। उनको हर्ट करना मतलब आपको हर्ट करना। और आप ही बताइए, हम कभी ऐसा कर सकते हैं क्या? भाभी सबको तो किडनैप कर सकते हैं ना। अरे यार कितनी बार बोला करना पड़ा, रानी सा वापस चाहिए ना, तो बस आप हमारे इस राज को राज रखिए और हम रानी सा को घर वापस लाने में आपकी मदद करेंगे। ये जल्द होगा, ज्यादा समय नहीं है वीर के पास। अगले 26 घंटे में रानी सा आपके पास होंगी। ठीक, कितना गहरा रिश्ता है ना हमारा, एक दूसरे के लिए कितना करते हैं हम दोनों, इसीलिए हमें आपकी एक अर्जेंट मदद चाहिए थी। मदद? कौन सी मदद? हमें 5 लाख की जरूरत है। 5 लाख? पिछली बार के पैसे वाले इंसिडेंट के बाद मॉम ने हमारी सारी कार्ड बंद कर दी है, कहाँ से लाए हम 5 लाख अभी? वो नंदिनी, एक्चुअली किडनैपिंग वगैरह मैंने इतना खर्चा हो गया कि उधारी बहुत बढ़ गई है और अब हम तो अंडरग्राउंड है तो पैसे का इंतजाम कैसे करेंगे, इसलिए आपसे मांगने पड़ रहे हैं। और इनडायरेक्टली ये सब खर्चा तो रानी सा को घर वापस लाने में ही हो रहा है। आप टेंशन मत लो, हम एक हफ्ते में आपको सब वापस लौटा देंगे, कसम से। लवली आप ग्रेट हो, देखना नंदिनी रानी साथ जल्द घर वापस आ जाएंगी, रखते हैं। बच्चे 5 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम कहां बच गए, कहां से लाएंगे 5 लाख रुपए? लेकिन अरेंज तो करने होंगे ना, चाहे इतना बड़ा रिस्क हमारे लिए लिया है, 5 लाख पर कैसे?
डॉक्टर साहब। रानी 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 तेरे हुए रंगरेज पिया हूं, तेरे हुए रंगरेज, तेरे हुए रंगरेज पिया हूं, तेरे हुए रंगरेज। मैं जानता हूं कि आपके लिए ये बहुत मुश्किल घड़ी है रानी, लेकिन लेकिन प्लीज हिम्मत मत हारना, मैं आ गया हूं। डॉक्टर साहब आप ठीक है ना? घर पे सब ठीक है ना? अभी भी मेरी फिक्र है आपको ना? ठीक नहीं हूं मैं, आपको इस हाल में देखकर तो बिल्कुल नहीं। ए, तुम दोनों का रोना धोना बाद में, अपना काम कर डॉक्टर और निकल यहाँ से जल्दी। और वैसे भी वक्त बहुत कम है तेरे पास, टाइम पर शर्त पूरी नहीं हुई तो जानता है ना क्या होगा। थोड़ी सी भी होशियारी की तो इसकी खोपड़ी खोलकर तेरे हाथ में दे दूंगा। सॉरी ले मेडिकल बॉक्स। थैंक यू रानी, आराम से। ये नहीं बोला ना? नहीं सॉरी, नहीं करूंगा। वो इंजेक्शन लाया हूं आपके लिए, पेंडिंग थी ना, कमजोरी फील होगी आपको। कैसे जुनूनी डॉक्टर है ना, दवाई लगाने आए हैं तो डिस्चार्ज भी करवा लेंगे आप डॉक्टर साहब। से निकाल कर रहूंगा मैं, बस आप हिम्मत मत हारना, कुछ नहीं दूंगा आपको मैं। ये वादा है मेरा। कितने अच्छे हो ना आप, सबके सामने हमें शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे इसलिए बाहर लाए ना, 5 लाख देने। क्या कहा था हमने, हमारे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। आपको हमसे माफी मांगनी चाहिए और आप यहाँ पर पैसे मांग रहे हैं। आपको लगता है हमने अपने होने वाले साले को, आप हम पे शक कर रहे हो? पूछो अपने दिल से, क्या हम कभी ऐसा कर सकते हैं? अपनी जान की, अपनी इज्जत की फिक्र ना करते हुए हम ये सब कर रहे हैं क्यों? आपके लिए ही ना, और आपने हमें ही थप्पड़। वीर को हमारे आदमियों ने मारा क्योंकि वो वहां से रानी को भगाने की कोशिश कर रहा था। क्या? हमने हाथ उठाया नंदिनी, लेकिन वीर पर नहीं, हमारे आदमियों पर। पीट पीट के उनका तुम्बा बना दिया, उनकी इतनी मजाल की उन्होंने हमारे साले पर हाथ उठाया। साले नमक हराम कहीं के। और हमने क्या पैसे अपने अय्याशी के लिए मांगे थे? आपकी मॉम को छुड़ाना था ना, इमरजेंसी थी यार, इसलिए कहा आपसे, किसी अपने से। लेकिन आपने तो उसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया। वीर को चोट लगी थी इसलिए मिलने चले आए। हम जब भी यहां आते हैं हमारे हाथ लगती है तो सिर्फ बेइज्जती। एक आदमी कितना सहेगा, हमें भी बुरा लगता है। नहीं चे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग खराब हो गया है हमारा।
एक सेकंड जी, हमारी बात सुनिए। आपको भाभी साहब को छोड़ना ही होगा। हम मॉम को बाहर निकालने का कोई और रास्ता ढूंढ ही लेंगे। बात कर रहे हैं पापा, लेकिन इस वक्त जो घर की हालात है ना, वो सिर्फ उनके वापस आने से ही ठीक हो सकती है। इसका मतलब आपको हम पर भरोसा नहीं है? ऐसी बात नहीं है जय। तो फिर क्या बात है? रानी साहब हमारी कुछ लगती है कि नहीं? हम उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कैसे ना करें? वो हमारी होने वाली सास है। नहीं जय, आप नहीं समझ रहे। आपको लगता है कि जो कुछ भी हुआ या हो रहा है, अगर ये सब वीर भाई को पता चल गया, उसके बाद हमारी शादी पॉसिबल है? मानते हैं जो हम कर रहे हैं उसमें खतरा है, लेकिन आपके प्यार के खातिर हम हर खतरे से फिर निकले तैयार हैं नंदिनी। लेकिन अगर आपको हमारे इरादों पर शक है तो ठीक है, नहीं लेंगे पैसे, खुद मैनेज करेंगे, हर मुश्किल अकेले झेलेंगे, पर अब आपका एहसान नहीं लेंगे। जे, फंस गई फिर से ये मछली जाल में। ये लीजिए, ये हमने पहले ही यहां रख दिए थे ताकि शक ना हो। बहुत मुश्किल से अरेंज की है। आप जानते हैं हमें कियारा से मांगने पड़े। हम फंस चुके हैं बुरी तरह। कुछ दिन पहले हमने एक चैरिटी वालों को 5 लाख रुपए देने का वादा किया था और अब उन्हीं लोगों का फोन आ रहा है। तुम नंदिनी रजावत हो, तुम्हें पैसों की क्या कमी है? घर की हालात तो तुम जानती हो ना कियारा, ऐसे माहौल में हमें पैसे मांगना ठीक नहीं लग रहा। तुम हेल्प करोगे हमारे? देखो, अगर हमने पैसे नहीं दिए ना तो पूरे खानदान का नाम खराब हो जाएगा। प्लीज, हम तुमको 1 हफ्ते में वापस कर देंगे। बात लौटाने की नहीं है नंदनी, आई ट्रस्ट यू, पर आर यू श्योर यही बात है? I mean, तुम कोई प्रॉब्लम में तो नहीं हो ना? लिसन, अगर तुम हो तो प्लीज मुझसे शेयर करो। हमने कहा ना कि हमें चैरिटी के लिए ही चाहिए, तो बार बार क्यों पूछ रही हो? अच्छा बस, डोंट वरी, मैं अभी घर से पैसे मंगवा देती हूँ। नंदिनी, आपने हमारे लिए, जय, हमने वादा किया है कियारा से कि हम उसके पैसे अगले 1 हफ्ते में वापस कर देंगे। घर पे वैसे ही बहुत प्रॉब्लम चल रही है, हमें और नहीं चाहिए, तो प्लीज आप टाइम पर पैसे वापस कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम वादा करते हैं। हम चलते हैं। राजमाता, कटहल का अचार लेंगी? कटहल का अचार? आपको याद था? जी बिल्कुल, ऐसे कैसे भूल सकते थे हम? इतने प्यार से बोले थे आप हमको। मासा, ये समय टूटने का नहीं है, संभालिए अपने आप को। लेकिन कब तक दिग्विजय? मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। राजेश्वरी और बहुरानी के बिना ये घर कितना सूना लग रहा है। हे भोलेनाथ, कुछ भी करिए, लेकिन हमारी राजेश्वरी और बहुरानी को जल्द से जल्द घर वापस ले आइए। उन्हें घर वापस ले आइए। सिर्फ 8 घंटे बचे हैं हमारे पास।
इसलिए जो प्लान मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, कोई बदलाव नहीं। जो रोल आपको दिया जाएगा आप सिर्फ वैसे ही करेंगे, क्योंकि नई तरकीब आजमाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। और याद रहे, थोड़ी सी भी गलती हुई तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी हम सबको। ओके? सब क्लियर है? कोई सवाल? यार तुम फिर यहां पे आ गई, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया कि तुम घर में बिना बुलाए नहीं आ सकती हो, अभी जाओ यहां से। वीप, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। यार आप, पर ट्रस्ट मी वीप, तुम जो भी कहोगे वो सब मैं करने के लिए रेडी हूँ, प्लीज। आप हेल्प करना चाहती हैं उसके लिए थैंक यू कियारा, लेकिन इस प्लान में मैं किसी और को इन्वॉल्व नहीं कर सकता। इन सब से जितना आप दूर रहेंगी उतना ही आपके लिए अच्छा है। रानी मेरी जिम्मेदारी है कियारा, ये प्लान भी मेरा है और इसे एग्जीक्यूट भी मैं ही करूंगा। और वैसे भी विजय हमारे साथ है तो होपफुली सब कुछ स्मूथली जाएगा। अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन होता तो मैं ये प्लान करता ही नहीं विजय। रानी तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला मुझे, और ना ही आपका डिपार्टमेंट उनका लोकेशन ट्रेस कर पाया है। अगर हम रानी सा को छुड़वा नहीं सकते तो उन्हें जेल से भगाना होगा। नहीं, साहब आपने हमसे मदद मांगी थी, लेकिन ये आपको भी पता है कि ये नामुमकिन है और मैं इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकता आपको। ये सिर्फ एक दिन की बात है, जैसे रानी का पता चल जाएगा मैं रानी साहब को खुद वापस जेल ले आऊंगा। हम उन्हें रिहा करवाने के लिए लीगल प्रोसेस फॉलो करेंगे। अगर ये मुश्किल कदम नहीं उठाए ना विजय तो रानी की जान को खतरा हो सकता है, आप जानते हैं ये बात, और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता विजय, प्लीज। ठीक है गोयल साहब, अगर यही एक आखिरी रास्ता बचा है तो। कुवरसा, रानी साहब को आप जेल से इस तरह भगाएंगे तो आप यकीनन ऐसा करना चाहते हैं? कहा है ये बात में बहुत एक खतरा है। खतरे में रानी भी तो है ना काका, अगर वो हार नहीं मान रही है तो हम कैसे मान सकते हैं? मुझे सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। आई प्रॉमिस यू ऑल, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। ठीक है डॉक्टर, हम लोग 10 मिनट में बेसमेंट में मिलेंगे, सबको पता है क्या करना है। लेट्स गो। क्या चाहती हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? रो के सामने अच्छा बनने के लिए कुछ भी बोलोगी? मैं वीर को अपनी हेल्प ऑफर कर रही थी, और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? बिल्कुल सही सोचा है मैंने, तुम्हें भाभी सा की कोई फिक्र नहीं, तुम्हें सिर्फ ब्रो के सामने अपने नंबर बढ़वाने और कुछ नहीं। क्यों करती हो तुम ऐसा? क्यों आना चाहती हो उनके बीच में तुम? तुम्हें नजर नहीं आता वो दोनों कितने खुश हैं साथ में? वहां किसी तीसरे की जगह नहीं है कियारा, प्लीज। विक्रम, गुस्सा ब्रो को लेकर तुम्हारी ये जो तड़प है ना, तरस आता है इसे देखकर। और तुम्हें एक बात बताऊं, ये सब करके ना कुछ हासिल नहीं कर पाओगी। कहना आसान है विक्रम, पर जब तुम वो फील करोगे जो मैं फील कर रही हूँ तब तुम समझोगे कि एक तरफा प्यार करना कितना मुश्किल है। और वीर भले ही मुझे ना चाहे पर मैं उसकी फिक्र करना नहीं छोड़ सकती विक्रम, चाहे फिर वो उस रानी का साथ ही देना क्यों ना हो। अब तुम ये समझ सकते हो तो ठीक है, वरना सीरियसली विक्रम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। राजेश्वरी, वीर मजबूर था, किडनैपर ने उसको ऐसा करने के लिए पुश किया था, वरना तुम जानती हो कि वो तुम्हें
कभी भी इस तरह की मुसीबत में नहीं डालता। हम वीर से नाराज नहीं हैं, हम अपनी किस्मत से खफा है। और अगर रानी वहां से भाग चुकी है तो वो अब तक घर वापस क्यों नहीं आई है? यही सवाल मेरा भी है। अगर सच में रानी वहां से भाग गई है तो अब तक घर पहुंच जाना चाहिए था उन्हें, या तो कम से कम एक फोन तो कर देती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एग्जैक्टली ब्रो, मैं भी तब से यही सोच रहा हूं। भाभी साहब इतनी भी केयरलेस नहीं है कि हमें फोन तक ना करें। आखिर क्या कहना चाहते हैं आप दोनों? यही कि दादी साहब, हो सकता है किडनैपर्स ने हमसे झूठ बोला हो। मतलब कि बहू रानी की जान अभी भी खतरे में है? भगवान, ये क्या हो रहा है? किस गलती की सजा दे रहे हैं आप हमारे परिवार को? राजमाता, संभालिए अपने आप को, पानी पी लीजिए। कल गंगौर पूजा है ना, भवरानी की इस घर में पहली गंगौर पूजा। कितनी खुश और उत्सुक थी वो इस पूजा को लेकर। आई थी वो मेरे पास सब पूछने के लिए। एक छोटे बच्चे की तरह सब कुछ लिख दिया था एक कागज पर, ताकि वो कुछ भूल ना जाए। वीर, वो ये व्रत आपके लिए रख रही थी। पूजा होगी राजमाता, क्योंकि आपकी बहू रानी सबसे अलग है। उनके हिम्मत उनके जज्बे के आगे अच्छे अच्छे घुटने टेक देते। कुछ नहीं होगा उन्हें। राजमाता, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। अगर बहू रानी ने कहा है कि वो व्रत रखेंगी, वो जहां भी होंगी, जिस हाल में होंगी, अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। हमें पानी दे दीजिए प्लीज। चुप कर, कब से पानी पानी लगा रखी है? हेलो, अरे हाँ, गांव में सामान भिजवा दूंगा, रख लेना अपना गंगौर व्रत। चलो अभी बहुत काम है, बाद में कॉल करता हूँ। कल गंगौर है, हमारा पहला गंगौर व्रत। राजमाता जी ने बताया था हमें। बताइए ना राजमाता जी प्लीज। ये देखिए, हम कलम कापी सब लेकर आए हैं अपने साथ। क्या आप भी व्रत रखोगी? आज तक तो कभी ना ही रखे, पर ई बार करेंगे। आप मदद कीजिए ना हमारी प्लीज। बहुरानी, ये व्रत कुंवारी कन्याएं एक अच्छा पति पाने के लिए रखती है, और शादीशुदा औरतें अपने पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए रखती है। इसमें माँ गौरी और शिव जी की पूजा होती है। हाँ तो हम भी तो शादीशुदा है, वक्त से पहले हो गए मानते हैं, पर जो है सो है, आप बताइए ना हमको। औरतें हाथों में मेहंदी लगाती हैं, दुल्हन की तरह तैयार होती हैं, माँ गौरी और शिव जी के गीत गाती हैं, उनकी मूर्ति को तैयार करती हैं, उनकी पूजा करती हैं, फिर उस मूर्ति को अपने सिर पर रखकर किसी नदी या तालाब में जाकर उसे प्रवाहित कर देती है। राजमाता जी, हम भी करेंगे। अभी जाके बक्से में से अपना सबसे चौचक लहंगा चोली निकाल के रखते हैं। हम भी शंकर भगवान और गौरी माँ की मूर्ति सजाएंगे, बहुत मजा आएगा। और गाने में तो हमारा कौनो जवाब ही नहीं, क्या बताएं आपको। ऐसा माहौल जमाएंगे,
साक्षात भगवान खुद धरती पर आकर तांडव नाच करने लगेंगे मुझे। बहुत हुआ, हमें यहाँ से किसी भी तरह बाहर निकलना ही होगा। कौन है ये बुड़बक जो हमारा अपहरण करने का हिम्मत किया और फिर डॉक्टर साहब से झूठ का है बोला कि हम भाग गए? आखिर मकसद का है इनका? आखिर आप चाहते क्या है जय? नंदिनी आप क्या बोल रहे हो? साफ साफ कहो ना, आप इतना परेशान क्यों हो? आपने हमें कहा था कि आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है। हमने इतनी मुश्किल से झूठ बोलकर कियारा से पैसे मांग के दिए और आपने क्या किया? हाँ, 5 लाख रुपए का बैग एक नौकरानी के हाथ में दे दिया। नहीं, हमने कब? झूठ मत बोलिए जी। मैंने अपने पैसे लिए। जल्द से जल्द यहाँ से निकल लीजिए, अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चंपा के पास क्या कर रहा है ये बैग? ये हमने चंपा को दिया था आपको देने के लिए। हाँ, वो हमारा काम तो हो गया था ना, तो हम क्या करते पैसे रख के? ठीक है, हमने मान लिया कि ये बैग आपने चंपा को दिया था, तो आप हमें ये बताइए आपने पैसे किससे लिए थे? हमसे ना? तो आपको पैसे वापस किसे करने चाहिए थे? हमें ना? तो चंपा बीच में कहां से आई? या फिर आपको ये लगा कि चंपा के पास पैसे रखने से पैसे डबल हो जाएंगे, राइट? बोलो ना चंपा, पैसे वापस क्यों नहीं किए दीदी को? खड़ी क्या, जवाब दो। सही बात है, खड़ी क्या हो, जवाब दो। दीदी मुझे ना बहुत जरूरी काम था गांव में, इसलिए सोचा कि पैसे वहां भिजवा देती हूँ। सोचा था कि तनख्वाह में से कटवा लूंगी, लेकिन दीदी ये बात ना रानी साहब को मत बताना, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी और ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज दीदी। ओहो, इतनी सी बात थी, पैसों की जरूरत थी तो बता देती। इतनी सी बात? माय फुट, झूठ बोल रही है वो। जाओ यहाँ से। सॉरी बोलो मैडम को। शट अप जे। सॉरी दीदी। गेट आउट। यहाँ वहाँ कहाँ देख रहे? हम आपसे आखिरी बार पूछ रहे, हमें सच चाहिए जी। भाभी साहब कहाँ पे हैं? भाभी साहब, हमें क्या पता, वो तो भाग गई थी। नहीं, झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कितना झूठ बोलेंगे आप जय? ट्रस्ट मी नंदिनी, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपको नाराज करके क्या मिलेगा हमें? नंदिनी आप हमें गलत समझ रही हैं। देखिए जय, हमारा दिमाग बहुत खराब है और इस ड्रामे से हम और डील नहीं कर सकते। चाहिए आप, जस्ट गो। बदतमीजी है ये, हमारी रास्ते से हटो। बीच में तो आप खड़ी हैं, हमरे और हमरी मंजिल के। What nonsense! हमारी हरकतों में आपको सेंस नहीं लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही जल्दी लगेगा। अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से हटो, समझे?
जय सिंह से क्या बात कर रही थी आप? ओह नो, कहीं इस गवार ने हमारी और जय की बातें तो नहीं सुन ली? अगर घर में सबको पता चल गया तो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमसे मतलब शर्म नहीं आती? छुप छुप के दूसरों की बातें सुनते हो? हाँ शर्म तो आपको आनी चाहिए, इतना बड़ा कांड रचा है, लाज नहीं है आपको? हाँ नंदिनी जी, हम सच जानना चाहते, बताइए हमें। हद में रहो अपनी बिरजू, बोलो मत कि तुम कहाँ खड़े हो। हमारे घर पे रजावत हाउस में, और यहाँ तुम्हारी कोई औकात नहीं। और तुम होते कौन हो हमसे सवाल करने वाले? हाँ अभी भी तुझे हमारी जरूरत हुई तो झिझकना नहीं, याद रखना तेरा अपना कोई है जो एक कुछ सवाल किए बिना पूरी दुनिया से बिड़ जाएगा तेरे लिए। दोस्त, एक सच्चे दोस्त, और अपने दोस्त का ख्याल रखने की कसम खाए हैं हम। आप लोगों के लिए हम गांव वाले कमार भले ही सही, लेकिन रिश्ते निभाना बखूबी जानते हैं मैडम, और हमें मालूम है उस बुड़बक के साथ में आप रानी के बारे में बातें कर रही थी। देखिए साफ साफ बता दीजिए हमें, वरना क्या कर लोगे तुम? आज तक आपसे किसी चीज की मांग नहीं रखी मैंने, लेकिन आज मांग रहा हूं, रानी को सही सलामत वापस लौटा दीजिए। अब और इंतजार नहीं कर सकता मैं, उन्हें प्लीज मुझे लौटा दीजिए। कुमुद, गुलाब जल नजर नहीं आ रहा है? अब हम लेकर आते। विजय, आप यहाँ? रानी का कुछ पता चला? रानी की लोकेशन की खबर मिल गई है कोरसा। ओके, तो चलिए चलकर ले आते उन्हें। मेरी टीम की डिवाइस में उनके लोकेशन की इन्फॉर्मेशन है। वो लोग कुछ ही देर में यहाँ पे आते होंगे और उन्हीं के साथ फिर हम निकलते हैं। ठीक है, जब तक तुम्हारी टीम नहीं आती यही इंतजार कर लो। हे भोलेनाथ, बहुरानी को जल्द से जल्द सही सलामत घर वापस ले आई। दादी साहब, आपकी बहुरानी आज वापस घर आएंगी, जरूर आएंगी। अजीब बात है, दरवाजा बाहर से बंद कैसे? ये बंदे बिना चाय पीने निकल गए होंगे। इससे पहले वो लोग यहां पहुंचे, हमें रानी को जल्दी शिफ्ट करना होगा।
जानते हो डॉक्टर को भगवान का रूप क्यों माना जाता है? क्योंकि एक एक्शन, एक इंसिशन, एक हरकत से इंसान की जान बच भी सकती है और उसकी जान जा भी सकती है। तुम्हारे मेरे बीच में एक ही सवाल है जैन, उसका जवाब भी एक, और वो जवाब मुझे सही चाहिए। रानी कहाँ है? भगवान, रानी भगवान, भगवान ने शैतान हो गए तुम भी, हम नहीं जानते रानी का है, सच बोल रहे हैं, हमें नहीं पता। तुम्हारी वजह से जिंदगी में पहली बार गलत करना पड़ा, कानून के खिलाफ जाके रानी शाह को भगाना पड़ा, उनकी नजरों में गिरना पड़ा मुझे। तुम कहते हो कि तुम्हें रानी का पता नहीं, पता कहाँ हो? सच बोल रहा है, हमें कुछ नहीं पता। तो झूठ बोलोगे जय, तुम्हें क्या लगता है हम बेवकूफ हैं? हमें बहुत ही बाबा, तुम्हारा सस्ते राजकुमार, सारा कच्चा चिट्टा तुम्हारा बाहर आ गया। अब भी अगर रानी का पता नहीं बताए ना, तो तुम्हारी जान ले लेंगे हम। तुम लोग हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? हम नहीं जानते रानी कहाँ है, हमें नहीं पता वीर, प्लीज ट्रस्ट मी। अच्छा, तो नंदिनी को बेवकूफ बनाकर योरा से पैसे क्यों निकलवाए तुमने? योरा ने हमें सब सच बता दिया है और छुपने का कोई भी कोना नहीं बचा है, बुझे?